नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग दैनिक राशिफल। सबसे पहले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में। 23 अप्रैल 2024 मंगलवार का दिन है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। नक्षत्र है चित्रा। वज्र नामक योग बन रहा है। अजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक। राहु काल का समय शाम 3:30 से शाम 5 बजे तक। राहु काल के समय में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, विघ्न आ सकती है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। सिंह राशि, आज मंगल का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल आपके चतुर्थ और भाग्य भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में बैठकर मंगल और राहु की युति बनेगी और अंगारक योग भी बनेगा और मंगल अष्टम भाव में आकर मांगलिक दोष भी बनाएंगे। तो ये वक्त स्वास्थ्य के मामलों में सतर्क रहने का है। थोड़ी समस्याएं दिखेंगी, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इस समय अगर आप कोई ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, इस गोचर में मत करवाइएगा, नहीं तो दिक्कत बनेगी। और स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा क्रोध आएगा, वाणी में कड़वाहट आएगी, इससे बचिए। गुप्त शत्रु इस पीरियड में बढ़ेंगे। हालांकि वाणी पर संयम रखना भी आवश्यक है। कहने का तात्पर्य ये वक्त बढ़िया नहीं है, वाहन संभाल कर चलाइएगा इस पीरियड में और हनुमान जैसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें तो थोड़ी राहत आपको इन कष्टों से जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं दैनिक राशिफल के बारे में। तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज खासकर देखिए, करियर की बाधाएं समाप्त होगी, पारिवारिक समस्याएं में जो भी चली आ रही थी उसमें सुधार होगा और दूसरा आज सबका सपोर्ट भी मिलेगा। अब देखिए, आज हनुमान जी की कृपा बरस रही है। नौकरी में आपको तरक्की के अवसर मिलेंगे, आपका मन भी नौकरी में लगेगा, तनख्वाह बढ़ सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पुरानी बीमारी में राहत मिल सकती है और दूसरा खान पान पर कंट्रोल रखें और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है स्वास्थ्य में तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। शेयर मार्केट वगैरह में आज मत जाइएगा, आज अच्छा नहीं है। और लव रिलेशनशिप बढ़िया है, आप उनके साथ आज कुछ वक्त गुजारने का प्रयास करेंगे और अच्छा वक्त गुजरेगा, रोमांटिक लाइफ भरपूर रहेगा रोमांस से। तो प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद समाप्त होता दिखेगा। पारिवारिक जीवन में दायित्व को सुलझाने का प्रयास करें, अपनों के साथ समय व्यतीत करें, थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल रखें, बेवजह की चीज़ों में समय नष्ट करने से बचें। कार्यक्षेत्र में आप अच्छे सोच से लाभ उठाएंगे, नौकरी करते हैं कोई खुशखबरी मिलेगी और संतान की ओर विशेष ध्यान दीजिए, गलत कार्य की ओर अग्रसर हो सकती है। हालांकि अपनी कुछ भावनाओं को व्यक्त भी कर सकते हैं। जीवन साथी के लिए आप किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं और इसमें समस्या नहीं तो होगी अगर आप समय का फायदा नहीं उठाएंगे। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में वक्त निकालिए, बेवजह समय नष्ट ना करें। आपका शुभ रंग रहेगा आज लाल, भाग्य साथी भाएगा 75% और आज भाग्यांक रहेगा।